वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस असूली मौकफ का एक बार फिर इयादा किया है कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 को मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इकदाम को कभी तस्लीम नहीं कर सकता और न ही उन्हें जायज मान सकता है। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के जो गैर कानूनी यकतरफा इकदाम हैं न उन्हें तस्लीम करता है और ना ही उससे रिकनसाइल कर सकता है। ये तो बिल्कुल आप इस पे कोई अभाम आपके जहन में नहीं होना चाहिए। बसियत पाकिस्तानी की हमारे में क्लैरिटी है। जो 5 अगस्त को किया उसको न सिर्फ पाकिस्तान ने मुस्तरद किया बल्कि कश्मीरियों ने, वो कश्मीरी जो माजी में भारत के साथ तावन करते रहे उन्होंने भी मुस्तरद किया है और अक्रॉस द बोर्ड 5 अगस्त के इकदाम को मुस्तरद किया गया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, बीजेपी सरकार को आप एक तरफ रख दीजिए, जो समझता है कि ये इकदाम मनफी नौयत के थे और उससे उनके कश्मीर के मौकफ को नुकसान पहुंचा है और उसमें कोई उनको लोगों को मजीद उन्होंने लोगों को एलिनेट किया है। वजीर खारजा ने गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में जारी फौजी मुहासरे और दूसरी गैर इंसानी पाबंदियों के होते हुए भारत से मुज़ाकरात को बेमानी करार दिया है। जहां तक गुफ्तगू शुनीद का ताल्लुक है, मेरी ईमानदाराना राय है कि इस वक्त मुझे तो गुफ्तगू शुनीद का माहौल दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोग गाहे बगाहे इस किस्म के इशारे करते रहते हैं, पर ये बताइए कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, रिस्ट्रिक्शंस कायम हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मुसलसल जारी है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल पामाल किए जा रहे हैं, किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती, इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ कदम रखने की इजाज़त नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है जी। तो इस माहौल में जो मुज़ाकरात होंगे वो क्या होंगे? वो तो गुफ्त नशस्तन बर्खास्तन वाली बात है ना, वो तो एक हुज्जत तमाम करने के मुतरादिफ होगा और हम नहीं समझते कि हुज्जत तमाम की जानी चाहिए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है। इन ब्रेजन मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट टेररिज्म इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेज इन द पास्ट फ्यू डेज मार्टर्ड 5 मोर इनोसेंट कश्मीरी यूथ ड्यूरिंग द सो कॉल्ड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एंड फेक एनकाउंटर्स इन अनंतनाग शुपियां एंड पुलवामा एरियाज ऑफ IIOJ&K। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अलोन 18 अनआर्म्ड एंड इनोसेंट कश्मीरीज हैव बीन मार्टर्ड बाय द इंडियन ऑक्यूपेशन ट्रूप्स। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ओवर 40 यंग कश्मीरीज वर सीवियरली इंजर्ड ड्यू टू अनप्रोवोक्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाइव एमिनेशन पैलेट गन्स and other military grade weapons. These illegal Indian actions are a clear violation of the UN basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials and the UN code of conduct for law enforcement officials. पाकिस्तान की जानिब से इस अमर पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि काबिज भारत की तरफ से मकबूजा खित्ते में अपने मजालिम को आलमी बरादरी से मख्फी रखने के लिए कश्मीरी मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। इन कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू मदल इंडिपेंडेंट मीडिया द इंडियन अथॉरिटीज हैव सील्ड द ऑफिसेज ऑफ लीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेलीज इन कश्मीर इंक्लूडिंग कश्मीर टाइम्स एंड कश्मीर न्यूज सर्विस। The International Federation of Journalists in Asia Pacific has expressed its deep concerns over such kind of intimidation of independent media voices in IIOJK. अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का फर्ज है कि वो काबिज भारत पर दबाव डालें कि वो 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात को मंसूख करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करे
और मकबूजा रियासत में जराए अबलाग की आवाज को दबाने की मजमूम हरकतों से बाज रहे।